नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द 11th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि आप सोच रहे होंगे या फिर सरप्राइज होंगे कि सर कि ये आप अपना चैनल में ये 11th केमिस्ट्री कहां से लेके आ गए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो फोकस करता है किसके ऊपर, ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स यानी कि आरएसी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, गेट केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग का, तो मुझे लगा कि 11th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड भी होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्सटाइल है, भले आप फिजिक्स में बात करें, भले आप इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड के बारे में बात करें, तो वहां पे आपको टेम्परेचर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और जो हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट का नाम है, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का टॉपिक, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम जो भी अभी तक यानी कि सीबीएसई बोर्ड 11th केमिस्ट्री में जो आया होगा अभी तक सॉल्व क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इसी चैप्टर में मिल जाएंगे, जो हमारा चैप्टर का नाम है या फिर प्लेलिस्ट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया, स्पेशली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, फिलहाल तो ये सीबीएसई बोर्ड है, बट आप ये मेरा चैनल दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी भाई बंधु सिस्टर कोई भी आपके फ्रेंड है जो 11th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 11th केमिस्ट्री को बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरे केमिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस भी देखे होंगे तो आप उनको देखिएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए इस चीज को हम समझेंगे, दैट इज योर टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर हर जगह यूज में आता है, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप कोरोना है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के शेयर्स बहुत ऊपर है, क्योंकि दवाइयां बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और मेडिसिन कैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाई जाती है। और अगर आप देखेंगे नेचर भी दवाइयां बनाता है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो अवेलेबल होती है नेचर में, तो वो भी रूम टेम्परेचर पे, यानी कि आपकी दवाइयां या मेडिसिन नेचुरली प्रिपेयर करता है। ठीक है, हमारे में जो भी एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज का क्या बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, क्योंकि इसी को अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बात करेंगे तो 298 केल्विन। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर को किन तीन स्केलों पे मेजर किया जाता है, अलग अलग स्केल्स यूज की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे कि पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फारेनहाइट, तीसरा केल्विन। ओके, ज्यादातर आप जब भी बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको वो एक थर्मोमीटर से चेक करता है कि आपको कितना बुखार है। ठीक है, जनरली जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट डॉक्टर जब भी आपको थर्मोमीटर लगाता है तो फारेनहाइट में वो बताता है कि भाई आपको 100 बुखार है। उसने कभी नहीं बोला होगा कि भाई आपको 100 फारेनहाइट बुखार है या 101 बुखार है, वो ऐसा बोलेगा 101 है, 98 है, 99 है, ठीक है, या फिर बोल सकते 103 104 है, बट कभी भी वो डिग्री फारेनहाइट नहीं लगाता है, यानी कि वो यूनिट लगाता ही नहीं है। तो आप और हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि भाई यूनिट क्या है हमारे टेम्परेचर की। तो याद रखिएगा जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन है, और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है कॉमनली तीन स्केल में, एक हो गया सबसे पहले केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, तीसरा फारेनहाइट। डॉक्टर की स्केल ये वाली है, ठीक है, डॉक्टर इस मतलब स्केल में टेम्परेचर को मेजर करता है। सपोज डॉक्टर ने क्या किया, थर्मोमीटर लिया, आपके टंग के नीचे रखा, या फिर कहीं पर भी आजकल तो डिजिटल इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ गए हैं, ठीक है, जिससे लेजर गाइडेड यानी कि वो यूज किया जाता है। ठीक है, सपोज अगर मेरे हाथ का टेम्परेचर मेजर करना है या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो लेजर यहां पर आती है, ठीक है, इंफ्रारेड यूज करता है वो, ठीक है, तो उसको यूज करके वो टेम्परेचर का मीन्स बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। ठीक है, ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब भी आप कभी भी जाओगे तो ज्यादातर आपको कॉमनली यूज होती हुई टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स देखने को मिलेंगी, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट। तो ये डॉक्टर की पसंदीदा क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि ये स्केल है डिग्री फारेनहाइट। ओके, ज्यादातर हम जो रूम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, बट इंडस्ट्रीज में जब भी कोई पेपर लिखा जाता है, सपोज कोई रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं तो ज्यादातर वो आपको केल्विन में देखने को मिलेंगे, और केल्विन ही हमारी ऐसा यूनिट है क्या बोलते हैं टेम्परेचर की। हो गया क्लियर? बट कंपेरिजन करने के लिए हमने तीन अलग अलग थर्मोमीटर लिए हैं जिसमें हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। अब आप सबको मालूम है कि डिग्री सेल्सियस तो कोई भी सुनता है, सपोज पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे 0 डिग्री सेल्सियस को हम ये समझेंगे कि वो केल्विन में कितना टेम्परेचर है और आपका क्या बोलते हैं फारेनहाइट में कितना है। तो तीन अलग अलग थर्मोमीटर आप देख रहे हैं रेड कलर में, ओके, क्या बोलते हैं
ये हो गया हमारा ग्रीनिश कलर में मैंने मार्किंग की हुई है, ये ब्लू कलर में, बट आप जो रेड कलर में बॉटम में देख रहे हैं ये मरकरी होती है। थर्मोमीटर में ज्यादातर मरकरी ही देखने को मिलेगी। और ये जो थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज है मिनिमम रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ओके। और हमने कुछ यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस मालूम है तो आप फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आपको डिग्री सेल्सियस मालूम है तो केल्विन की स्केल पे कैसे मेजर करेंगे। इवन मैंने भी जब इंडस्ट्रीज में काम किया है तो मैं भी प्रेफर करता था कि डिग्री सेल्सियस में करूं, बट आप जब भी रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीए में तो यानी कि डेफिनेटली टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी यही पढ़ाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि आप कोई भी फील्ड ले लीजिए वहां पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक तरह की क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको मेजर किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सभी को मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस है। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई तीन अलग अलग अगर वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, कौन कौन से, फिलहाल मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का वीडियो बनाता हूं नॉर्मली, ठीक है, जो फिलहाल मैं जिसपे अभी कमेंट्स हो, यानी काफी सारे वीडियोस के आते हैं कि सर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पार्ट छूट गया तो आप इस पे लेके आइए, तो फिलहाल मैं अभी कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा कि मैं वो भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी क्या बना रहा हूं, वेट फॉर अ सेकंड, इट्स टू हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो मैं ज्यादातर अभी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, देन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट टू, जो हमने प्रेशर वेसल कंप्लीट कर दिया, और तीसरा हमारा ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोशिश करूंगा कि तीनों वीडियोस हर दिन अपलोड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन के लिए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे और पानी का बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, और ये जो हमारा थर्मोमीटर है इसकी मिनिमम रेंज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम केल्विन में, अगर हमें पता करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, ठीक है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो डिग्री सेल्सियस मतलब यही 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो यहां पर डिग्री सेल्सियस की जगह 0 डालूंगा, 0 प्लस 273.15, तो केल्विन में ये टेम्परेचर हो जाएगा 273.15, हो गया क्लियर ओके। वही चीज 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में 32 फारेनहाइट होती है, हमेशा याद रखिएगा, और इसको कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0 into 9 is 0, and anything upon 0, ठीक है, यानी कि 0 upon anything is again 0, क्लियर हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया प्लस 32, तो 32 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे बात करेंगे हमारा रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जब आइडियल होता है यानी कि स्टेबल होता है, या फिर बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे रूम का जिसमें इंसान बहुत अच्छे से रह सकता है 25 डिग्री सेल्सियस। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज का टेम्परेचर तो वैसे ही अराउंड 35 या 40 के करीब है, पसीने तो सबको आ रहे हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। तो आज का टेम्परेचर है मतलब रूम का टेम्परेचर समझ लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, वही अगर हमें केल्विन में देखना है तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसकी जगह पे आप डिग्री सेल्सियस पे 25 डालिए, तो 25 प्लस 273.15 कितना हो जाएगा केल्विन, केल्विन में ये 298 केल्विन हो जाता है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर डिग्री सेल्सियस में 25 डालेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस की जगह 25, तो 5 5 = 25 और 9 5 = 45, 45 प्लस 32 इज 77 फारेनहाइट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बुखार है या नहीं, तो बॉडी टेम्परेचर जो है हमेशा याद होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, और जो डॉक्टर बताता है आपको 98.6, ये तो सबको याद है कि फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है, और वही चीज अगर 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चाहिए तो कितना होगा, दैट इज यही फॉर्मूला यूज करके, तो 37 यहां पे डालिए प्लस 273.15, तो ये अप्रोक्सीमेटली 310 केल्विन पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0.15 आएगा, हो गया क्लियर। फाइनली बात करते हैं पानी का टेम्परेचर, ठीक है, पानी का टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर मुझे केल्विन में चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आई थिंक 20 आएगा, 29 जा कितना हो जाएगा 29 जा 9 to 13, तो 180 हो गया, 180 प्लस 32 इज ऑलमोस्ट 212, हो गया क्लियर ओके। और यही इस डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में बदलना है तो यहां पर पुट कर दीजिए, दैट इज योर, हमें केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस यहां पे 100 प्लस 273.15, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 373.15 केल्विन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अगर कभी कभी रिएक्शंस में, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन,
एक चीज मैं बात कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शंस को -15, -20, -30, -15 पिक करना पड़ता है, यानी कि कुछ रिएक्शंस होते हैं हीट सेंसिटिव, ठीक है। अगर हीट को कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उसमें साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोरोना वैक्सीन, अब अलग अलग कंपनीज कोरोना वैक्सीन बना रही है, बट कईयों का स्टोरेज टेम्परेचर है -5, -10 डिग्री सेल्सियस, ओके -15 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे हमारे लिए फ्रीजिंग कंडीशंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज्यादातर क्या होगा कि अगर जो कोरोना की वैक्सीन है वो अगर रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्लियर हो गया? उसकी लाइफ बन जाती है, मीन्स लाइफ बन नहीं जाती, यानी कि लाइफ बढ़ जाती है, ताकि हम लंबे समय तक उसे स्टोर करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि डिग्री सेल्सियस की स्केल में आपको नेगेटिव टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बट आप देखेंगे अगर केल्विन की स्केल में, तो केल्विन की स्केल में आपको ऐसा पॉजिटिव टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सपोज अगर हम -15 डिग्री सेल्सियस पता करना चाहते हैं, ठीक है, किसके अंदर, केल्विन में, तो ये कितना होगा, फॉर्मूला तो वही है, -15 + 273.15। अब आप देखिए -15 छोटा है और 273.15 बड़ा नंबर है, तो साइन तो पॉजिटिव ही आने वाला है और कुछ पॉजिटिव टर्म ही आएगी, अब आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर से रिलेटेड मैंने कुछ छोड़ दिया होगा, ठीक है। और ज्यादातर टेम्परेचर आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, हर जगह आपको, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, तो वहां पे भी टेम्परेचर का बहुत रोल रहता है, ठीक है। हीटिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, कूलिंग होती है, टेम्परेचर घटता है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, फिर पानी, यानी कि हर जगह पानी पानी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो हमसे सही नहीं जा रही। तो प्लीज आप कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे रिस्पॉन्सिबल जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन गैस है, तो आप क्या कीजिए, 5 जून अभी अभी हमारा निकला है जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, कृपा करके आप डेफिनेटली एक पौधा जरूर लगाइए अपने घर पे, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे, ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे, ठीक है, क्योंकि हम भी एक तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूसर ही हैं। ऑक्सीजन को यूज करके हम भी बहुत स्वार्थी हैं, हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो पेड़ छोड़ते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि मैं आगे अपडेट्स लेके आता रहूं 11th केमिस्ट्री के, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। अगर आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कोई भी आपके फ्रेंड्स, भाई बंधु, यानी सिस्टर्स जो भी है, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।